हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पूर्व के वीडियोस में हमने फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की अवधारणा या कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया था। आज उन अवधारणाओं को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के बाद वेद अवधारणाएं आपको बेहतर ढंग से समझ आ पाएंगी। तो हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। ये कह रहा है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बायोडाइवर्सिटी के बारे में नीचे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, खाद्य जाल फूड वेब की जटिलता उच्च जैव विविधता का सूचक है। ये कह रहा है कि कोई फूड वेब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंडिकेट करेगी हाई बायोडाइवर्सिटी को। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूड वेब जितना ज़्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स होगा उस इकोसिस्टम के अंदर उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता या जीवों की विविधता मिलेगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी होगी राइट। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। वो कह रही है कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। तो ये कह रहा है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी राइट होगी। इसका कारण ये होगा कि जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर होता है उसके ऊपर सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। तो जहाँ पर या जिस क्षेत्र में सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल रहेगी वहाँ पे जीवों की संख्या में हम ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगी या बायोडाइवर्सिटी उस क्षेत्र में अधिक होगी। तो आप सभी को पता होगा कि जो भूमध्य रेखा होती है इसे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा का के बीच का जो क्षेत्र होगा वहाँ पे सनलाइट हमें जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है, इसलिए उस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं तो सोलर एनर्जी की मात्रा घटती जाती है, इसलिए पोल्स के ऊपर हमें बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर दी गई ये दो स्टेटमेंट्स है, ये दोनों की दोनों आपकी होंगी राइट या ठीक। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होंगी, तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकंड, दोनों स्टेटमेंट्स होंगी आपकी ठीक। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके ऊपर हमें विचार करना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि खाद्य जाल फूड वेब पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। कोई जो फूड वेब होता है वो जीवों को अल्टरनेट पाथ प्रदान करता है अपना भोजन प्राप्त करने का। तो हमने जब पूर्व में इस फूड वेब के कंसेप्ट को समझा था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे टॉप कार्निवोर है तो टॉप कार्निवोर जो होगा वो अपना भोजन जो है वो गाय, भैंस, बकरी या हिरन जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनमें से किसी भी एक से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड वेब होता है उसके अंदर जीवों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अल्टरनेट पाथ या वैकल्पिक मार्ग की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वो होगी आपकी राइट। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ये कह रही है किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव केवल एक एकल खाद्य श्रृंखला का भाग होता है। ये कह रहा है कि किसी इकोसिस्टम में कोई एक जीव जो होता है वो केवल एक ही फूड चेन का पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, क्योंकि कोई जीव किसी भी फूड चेन के साथ अटैच हो सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। तो इन दो में से एक ठीक होगा, एक गलत होगा। अब पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है। तो इन दोनों में से कौन सा सत्य होगा, केवल एक। तो इसका आंसर होगा ए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पारितंत्रीय पिरामिड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के संदर्भ में, के रेफरेंस में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है जिसकी हमने पूर्व के वीडियोज में चर्चा की थी उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। अब ये कह रहा है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी असत्य है या कौन सी गलत है। अब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है
चारण खाद्य श्रृंखला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन का संख्या पिरामिड सीधा होगा। ये कह रहा है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर वो आपका सीधा होगा। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसके अंदर आप सभी को पता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनकी संख्या होगी आपकी ज़्यादा, और जो इनके ऊपर डिपेंडेंट जीव होंगे, जो मांसाहारी होंगे, हर्बीवोर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट कार्निवोर्स होंगे उनकी संख्या होगी कम। तो ये आपका ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीजिंग। तो मैंने आपको पूर्व के वीडियोज़ में बताया था जब आपका ऑर्डर डिक्रीजिंग होता है तो आपका पिरामिड जो होगा वो अपराइट होगा, वो सीधा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि सीधा होगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी राइट। अभी सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है वृक्ष पारितंत्र, एक जो ट्री का इकोसिस्टम होगा, वृक्ष पारितंत्र का संख्या का पिरामिड उल्टा होगा। तो ये हमने पूर्व के वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि जो एक वृक्ष होता है उसमें वृक्ष, वृक्ष का मतलब क्या है कि हर सौपोषी या ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप की संख्या हुई एक, और उसके ऊपर डिपेंडेंट कंज्यूमर्स की संख्या होगी ज़्यादा, वो होगी ज़्यादा। तो ये आपका ऑर्डर डिक्रीजिंग नहीं हुआ है। तो एक वृक्ष के ऊपर संख्या का पिरामिड ऑलवेज उल्टा होता है, ये हमने पूर्व के वीडियोज के अंदर भी पढ़ा था। तो ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट होगी, वृक्ष पारितंत्र का संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक होगी। अब ये कह रहा है इन उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट होगी आपकी राइट, और पूछा है इनमें से रॉन्ग कौन सी हैं, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 4 कह रहा है खाद्य श्रृंखला फूड चेन तथा खाद्य जाल फूड वेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है खाद्य जाल फूड वेब में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होगा। ये कह रहा है कि फूड वेब के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। तो हमने फूड वेब में पढ़ा था कि फूड वेब में एनर्जी का फ्लो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है विभिन्न खाद्य जालों का नेटवर्क खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ये कह रहा है जो फूड वेब्स होते हैं उनसे फूड चेन बनती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि फूड चेन के मिलने से फूड वेब बनता है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा प्रवाह बहुपथगामी होगा। ऊर्जा एक फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। तो हमने जब फूड चेन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था किसी भी फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी होगी आपकी रॉन्ग। अब पूछ रहा है उपरोक्त में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो तीनों के तीनों उपरोक्त सभी जो होंगे वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगे, तो इसका आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है पारितंत्रीय पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके ऊपर हमने विचार करना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है यह संकल्पना, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये कंसेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी राइट। ये आपका स्टैटिक पार्ट है, तो ये एक डाटा है जो आपको याद करना है। अब नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होगा। तो जब हमने ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी का पिरामिड होगा या ऊर्जा का पिरामिड होगा वो ऑलवेज सीधा होता है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कार्निवोर्स की तरफ, तो मैंने जो लिंडेमैन्स का 10% का ला था उसमें बताया था कि जब हम हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। तो ये क्या हुआ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, मींस प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा एनर्जी है और जो कंज्यूमर्स है उनके पास कम एनर्जी है। तो ये क्या कह रहा है पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, तो ये उल्टा नहीं ऑलवेज सीधा होता है, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी रॉन्ग। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है
जीव भार, बायोमास, पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकते हैं। जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा और सीधा दोनों हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट होगी। मैंने जब आपको ये बताया था कि पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा कब होता है, तो जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं, जलीय जो पारितंत्र होते हैं, उनके अंदर बायोमास का पिरामिड ऑलवेज उल्टा होता है। ये हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा फोर्थ स्टेटमेंट, संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होगा। संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। अभी पूर्व के क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती है वहाँ पे संख्या का पिरामिड सीधा होता है, और हमने यही इस क्वेश्चन में देखा कि जो एक ट्री, एक पेड़ होता है, उसके ऊपर संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी रोंग। इसमें आपका क्या हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड, ये दो स्टेटमेंट होगी आपकी राइट। इसमें पूछा क्या है, ये कह रहा है सत्य कथनों की पहचान करिए, तो एक और तीन, आपके एक और तीन जो है वो सत्य कथन होंगे, तो इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे, पारिस्थितिकीय उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनको हमने देखना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है निम्न अक्षांशों, इसको हम कहेंगे लोअर लैटीट्यूड्स से जब हम हायर लैटीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो उत्पादकता कम होती है, तो ये स्टेटमेंट राइट होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं, निम्न अक्षांशों का मतलब है भूमध्य रेखा। तो हमने पूर्व के क्वेश्चन में देखा था कि भूमध्य रेखा पर सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, मीन्स हायर लैटीट्यूड्स या उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो उत्पादकता कम होती है, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी राइट। अब ये कह रहे हैं निम्न ऊंचाई से, निम्न ऊंचाई का मतलब है मैदानों से, जब हम उच्च ऊंचाई पर जाने पर उत्पादकता ज़्यादा होती है, तो ये हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और पहाड़ों के ऊपर मीन्स हाइट्स के ऊपर प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी आपकी रोंग। अब थर्ड है महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों की उत्पादकता कम होती है, तो ये भी हमने पूर्व के वीडियोज में बताया था कि महाद्वीपों की उत्पादकता ज़्यादा होती है और महासागरों की कम। इसको हम ऐसे देखते हैं, जो जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ज़्यादा होती हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी रोंग। हम नेक्स्ट कह रहे हैं, ये तीन स्टेटमेंट थी, इनमें से दो गलत हैं और पहले वाली ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है सत्य कथनों की पहचान कीजिए, तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी राइट होगी, तो इसका आंसर होगा ए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकीय उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलदल भूमियों मार्शी लैंड से ज़्यादा उत्पादकता शीतोष्ण वनों में पाई जाती है। तो जब हमने आपको ये बताया था कि हायर प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, मीडियम रेंज की प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है और लोअर प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है, तो हमने बताया था कि जो शीतोष्ण वन होते हैं ये लो प्रोडक्टिविटी के रीजन्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट दलदल भूमियों से ज़्यादा उत्पादकता शीतोष्ण वनों में पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी रोंग, क्योंकि दलदली भूमियों में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है कि ऐसे रीजन्स जो हर वर्ष जो है वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, और जो रीजन्स बर्फ़ से ढके होते हैं तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है, तो उन क्षेत्रों की उत्पादकता बहुत कम होती है, तो परमाफ्रोस्ट की उत्पादकता कृषि भूमियों से ज़्यादा होती है, तो ये आपकी ज़्यादा ये स्टेटमेंट रोंग होगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू परमाफ्रोस्ट ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट है टुंड्रावन का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है।
टुंड्रा वनों की उत्पादकता मैनग्रोव वनों से ज़्यादा होती है, ये स्टेटमेंट आपकी रोंग होगी, क्योंकि हमने जब आपको हाई प्रोडक्टिविटी के रीजन्स बताया था तो वहाँ पे बताया था कि आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और आपके जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये हाई प्रोडक्टिविटी के रीजन्स या क्षेत्र होते हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स रोंग हैं। अब ये कह रहा है असत्य कथनों की पहचान कीजिए, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी रोंग होगी, तो इसका आंसर होगा आपका डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनके ऊपर विचार कीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक जटिल आहार जाल एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब अधिक स्थिर होता है, स्थिर का मतलब था स्टेबल। तो ये हमने बताया था कि जो फूड वेब्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू फूड चेन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं कि जैसे सपोज करो आपने शेर ले लिया, तो शेर को भोजन हिरण से, भैंस से, गाय से, बकरी से, जितने भी शाकाहारी हैं उन सभी से शेर को भोजन मिल रहा है। तो इन शाकाहारियों में से अगर किसी की भी संख्या कम हो जाती है तो उस फूड वेब के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि शेर जो है वो किसी और स्रोत से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है विभिन्न पोषण सत्रों अलग अलग जो ट्रोपिक लेवल्स होते हैं में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रोपिक लेवल्स होते हैं उनमें जो है जैसे जैसे हम लोअर ट्रोपिक लेवल से हाई ट्रोपिक लेवल्स की तरफ जाते हैं तो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी राइट। अब जब पूछा है कि सत्य कथनों की पहचान करिए, तो ये दोनों के दोनों जो कथन होंगे वो आपके राइट हैं, तो इस एट्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। तो ये हमने फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के कंसेप्ट को क्वेश्चंस के माध्यम से और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप उन कंसेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपको दोबारा से आपके बीच में आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।